केंद्र सरकार की है कंपनी BHEL, पता नहीं कैसा कारखाना बनाते हैं कि चलता है वो बंद हो जाता है, चलता हो बंद हो जाता है, कभी कोई चीज बंद हो जाती है, कभी कोई चीज बंद हो जाती है। और हमारे विभाग के लोग जानते होंगे कि तमाम ऐसे भी कारखाने लगे हैं जो दूसरी टेक्नोलॉजी के आज भी खराब नहीं हुए, उस दिशा में भी महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं। ये इंतजाम नहीं होता तो 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं हो सकती, 16 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं हो सकती। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन तमाम लोग हैं जो दूसरे तरह के आरोप लगाते हैं। खैर, विधानसभा में हमारे मंत्री लोगों ने मिलकर के और हम लोगों ने मिलकर के बहुत जवाब दिया उनका, लेकिन सही मायने में जवाब कोई देगा तो वो जनता देगी। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार आप पर है। और जो लोग दावा करते हैं कि हम गंगा को साफ सुथरा कर देंगे, कम से कम हम लोग गोमती को साफ कर करके दिखा सकते हैं, उसके लिए काम तेजी से चला रहे हैं। और हर क्षेत्र में काम हुआ है, बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में। इतने बड़े पैमाने पर एम्बुलेंस कभी नहीं आई थी प्रदेश में, जो आदरणीय अहमद साहब ने एम्बुलेंस पहुंचा दी। और कहीं किसी को जरूरत पड़ती है तो 10 और 15 मिनट में एम्बुलेंस उनके घर पर पहुंच जाती है। यही इंतजाम हम पुलिस के लिए करना चाहते हैं। और आने वाले समय में देखेंगे कि डायल 100 अगर आपको कभी जरूरत पड़ेगी, कहीं कोई घटना हो गई या कहीं कोई परेशानी आ गई, और अगर आपने फोन कर दिया तो कम से कम 10 मिनट में या हो सकता है शहर में उससे भी कम मिनट में पुलिस आपके मौके पर पहुंच जाए और आपकी मदद के लिए वो पहुंचने का काम करेगी।